हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ओबी 24 अपडेट के बारे में। उसमें हमें देखने को मिलने वाला है नया XM8 का इनक्यूबेटर। हाँ, XM8 का इनक्यूबेटर आ रहा है गाइस। उसी के साथ साथ हम बात करने वाले कुछ अमेजिंग बैग की स्किन के बारे में, साथ ही साथ न्यू गन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और उन्हें टेस्ट करके भी देखने वाले हैं कि कैसा डैमेज मिलता है। एंड गाइस, और बात करने वाले हम हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के बारे में, और बहुत ही अच्छा गोल्ड रॉयल आ रहा है, पर्सनली मुझे पसंद आया। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार आप लोगों को बताने के लिए। तो यार गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मैं वीडियो पहली बार देख रहा हूँ, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन कर रहा, उस बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो शुरू कहां से करूं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा अपकमिंग पैट से कि अब हमें कौन सा पैट देखने को मिलने वाला है गेम के अंदर। तो गाइस, गेम के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है डोरेमोन नहीं आ रहा है, बट जो अगला पैट होने वाला है वो है हमारा रकून। तो अगर आपको पता नहीं है तो डोरेमोन रकून डॉग बोला जाता था उसको कार्टून में। अगर आपने डोरेमोन नहीं देखा है ना, तो सच में आपका बचपना बर्बाद है, चाइल्डहुड स्पॉइल हो गया आप लोगों का। मैं तो अभी भी देखता हूँ। तो गाइस, हमें रकून पैट देखने को मिलने वाला है एंड देख सकते हो आप लोग, ये होने वाला हमारा पैट। और भाई साहब, वैसे सच्ची बोलूँ तो बड़ा डैशिंग पैट है और इसकी एबिलिटी भी बड़ी ओपी है गाइस। सच्ची बोलूँगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। बड़ा भी पैट की बात कर ले तो गाइस, ये रकून पैट होने वाला है जो हमें अगले ओबी 24 अपडेट में गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब सीधी सीधी बात है इसकी एबिलिटी। तो गाइस, इसकी एबिलिटी आपके जो एक्टिव स्किल होता है, जैसे आलोक का होता है हमारा एक्टिव स्किल, इसका जो रिचार्ज टाइम होगा वो कम कर देगी। तो यस गाइस, जैसे अभी आलोक की एबिलिटी को रिचार्ज होने में शायद 30 या 50 सेकंड्स लगते हैं, तो ये ओवरऑल टाइम को कम कर देगी इसकी एबिलिटी अगर आप साथ में यूज करोगे तो, मतलब इस पैट की एबिलिटी को। तो यार, जो रिचार्ज टाइम है ऑलमोस्ट 7 to 10 सेकेंड्स का फर्क आ जाएगा। एंड गाइस, लिटरली 7 से 10 सेकेंड यार ऐसे कम लगता है, बट जब मैच में आप गेम खेलोगे ना, तो आपको फर्क पता चलेगा कि आपका आलोक कितनी जल्दी रिचार्ज होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बीच फाइट में होते हैं, आलोक यूज कर चुका होता है, हमें फिर से आलोक की नीड पड़ती है, या तो तेज दौड़ने के लिए या फिर अपना हेल्थ रिकवर करने के लिए। तब हमारा आलोक देखते हैं तो हम कि यार अभी तक रिचार्ज ही नहीं हुआ, तो उस टाइम ये बहुत हेल्प करने वाला। और लिटरली बोलूंगा, मुझे इसकी एबिलिटी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को इसकी एबिलिटी के बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, अब नेक्स्ट ओपी थिंग के बारे में बताना चाहूंगा, वो है हमारे बैग की स्किन। तो यार, बहुत ही ओपी बैग की स्किन लगी है मुझे, इसलिए मैं आपको स्पेशली इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। देख सकते हो आप लोग, ये हमारा होने वाला है बैग की स्किन, जो पता नहीं किस चीज़ में देखने को मिलेगी। डेफिनेटली यार, जिस हिसाब से बैग की स्किन है ना, बहुत ही ओपी लगी मुझे। एंजल विंग के टाइप की स्किन है ये, और ये डेफिनेटली हमें किसी डायमंड वाले इवेंट में देखने को मिलेगी। बहुत सारे डायमंड लगने वाले हैं इस स्किन को लेके, पर यार पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगी है ऐसे बैग की स्किन। मुझे एक वो वाइट एंजल वाला भी शूट शायद है जो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला बैग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार पर्सनली, बट इनका एक डिसएडवांटेज होता है कि आप कहीं कवर में होंगे तो ये एनिमी को आपकी लोकेशन शो कर देता है, तो बस एक ये डिसएडवांटेज है। बाकी बोला जाए तो यार बहुत ही अच्छी बैग की स्किन है ये। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग न्यू गन्स के बारे में। एंड गाइस, 3 न्यू गन गेम में ऐड होने वाली है। यस, 3 न्यू गन, जिसमें से 2 ARMO की होने वाली है और थर्ड होने वाला है फ्लेम थ्रोअर। यस गाइस, फ्लेम थ्रोअर ऐड हो रहा है हमारे फ्री फायर में, और मतलब बड़ा मजाक लग रहा है ना, फ्लेम थ्रोअर यार, बट यस फ्लेम थ्रोअर ऐड हो रहा है। तो चलिए पहले हम AR की गन का टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लीक बताया था एक गन का, जो है M21 है, वैसे बेसिकली उसका नाम या M21A है। तो AR की बुलेट्स उसमें यूज होंगी, मतलब अपनी AR राइफल वाली गन होने वाली है वो। और देख सकते हो आप लोग, जो इसका फायरिंग पैटर्न है वो SKS या ड्रैगनो जैसा होने वाला है, और डैमेज भी देख सकते हो आप लोग, डैमेज भी ठीक ठाक डैमेज है, मतलब SKS जैसे ही, SKS और ड्रैगनो के बीच का डैमेज मैं बोलूँगा। और हेड पे भी एक अच्छा खासा डैमेज दे रही है, मतलब एक गोली अब हेड पे मारोगे और सामने वाला एनिमी खत्म। तो ये होने वाली हमारी M21A या AM21, जो भी इसका नाम होगा। तो यार पर्सनली बोलूँ तो मुझे अच्छा लगा इसका डैमेज वगैरह जो भी है, परफॉर्मेंस अच्छी लगी। लॉन्ग रेंज गन डेफिनेटली ये होने वाली है, रेंज के मुकाबले में SKS और ड्रैगनों से मैच होगी ये। बाकी रेट ऑफ फायर भी बोलूँ तो अच्छा खासा रेट ऑफ फायर है, कोई बुरा नहीं है। और अभी तो पर्सनली लोग SKS और ड्रैगनों यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते, तो उनके कलेक्शन में एक और गन ऐड हो गई है।
सो गाइस अब हम दूसरी गन की बात करने वाले हैं। तो यार इस गन का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, बट गाइस इतना ये कंफर्म है कि ये भी ARMO वाली गन होने वाली है और इसका जो रेट ऑफ फायर का सीक्वेंस है वो M14 जैसा होने वाला है। मतलब M14 में जब आप उसका स्पेशल अटैचमेंट लगा लेते हो फिर जब से वो फायरिंग ऑर्डर हो जाता है M14 का सेम वैसा ही इसका भी रेट ऑफ फायर होने वाला है। M14 के लेवल की ही गन होने वाली है, इसमें भी सेम अटैचमेंट सारे लग पाएंगे, बस स्पेशल अटैचमेंट इसका कोई होगा नहीं। बट ये ऑलरेडी ब्रश गन होगी, मतलब आपको बार बार टैप नहीं करना पड़ेगा। और डैमेज की बात करो गाइस इसका भी डैमेज अच्छा खासा डैमेज है, सेम M14 जैसा ही। M14 से थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से, M14 शायद विदाउट वेस्ट के 50 का डैमेज देती है, ये 48 का दे रही है, इट्स नॉट बैड वैसे तो। बट हेड का जो डैमेज है वो भी सफिशियंट डैमेज है, तो ये M14 की लेवल की गन होने वाली है। वैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ मुझे ये गन कोई बुरी नहीं लगी, M14 जैसे एक ही गन थी तो एक और गन अगर उसकी जैसे ऐड हो जाती है तो नॉट बैड। बट यार गरीना को बस इसका जो रिकॉइल वगैरह डैमेज वगैरह उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि ऑग जैसे गन आई है ना, मतलब उसका रिकॉइल इतना ज़्यादा है ना कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। और लॉन्ग रेंज में डैमेज तो इतना गंदा देती है वो ऑग की गन की क्या बताऊँ। मैंने आज तक कभी पूरा मैच उसको ऐसा सोचा भी नहीं है कि मैं पूरा मैच इस गन को रखूँगा। तो गाइस अब हम आते हैं हमारी थर्ड गन के ऊपर जो कि है फ्लेम थ्रोअर। बट गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख ही रहे हो तो डेफिनेटली आप इंजॉय कर रहे होंगे, और आप इंजॉय कर रहे हो तो यार एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी ऑल पे सेट कर देना। आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने का, तो प्लीज़ यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। तो गाइस अब हम आते हैं हमारे फ्लेम थ्रोअर के ऊपर। तो गाइस फ्लेम थ्रोअर हमारी मेन गन्स नहीं होगी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी गन्स में नहीं होगी, ये हमारी थर्ड गन के अंदर आती है जो कि हमारा जो हैंड गन्स वाला स्लॉट होता है जिसमें हमारी छोटी दो वाली शॉट गन आती है जिसमें G18 या डेजर्ट ईगल आती है, उस स्लॉट में ये वाली गन फ्लेम थ्रोअर होगी। मतलब इसकी रेंज काफ़ी कम होने वाली है, बट गाइस देख सकते हो आप लोग ये फ्लेम थ्रोअर है और इसका डैमेज वगैरह भी आपको दिख ही रहा होगा कि डैमेज कैसा दे रही है। मतलब बट इससे हेड पे मारना मेरे हिसाब से ईजी होगा, क्योंकि हेड पे आपने 2-3 बार शायद फ्लेम्स मार दी तो शायद बंदा खत्म हो जाएगा। वैसे नॉर्मल गन्स में भी ऐसा ही होता है, बट बात करी जाए बॉडी डैमेज की तो बॉडी डैमेज भी थोड़ा सा कम ही है मेरे हिसाब से। इसमें भी वो क्रॉसबो वाला चीज़ ऐड करनी चाहिए कि गोली मारने के बाद भी थोड़ी देर तक डैमेज देते रहना चाहिए, सेम जैसे VSS में रीपर बुलेट्स के साथ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी को जलाते हो तो यार डैमेज तो देर तक लगता है, बहुत दिन तक लगता है वैसे तो। तो पर्सनली मेरा मन है कि इसमें भी, मतलब मेरा ओपिनियन है कि इसमें भी ऐसा देर तक डैमेज वाला फीचर्स आना चाहिए। बाकी बात करी जाए तो रेंज की तो यार थोड़ी सी कम रेंज है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कम रेंज है, और डैमेज भी जो बॉडी पे डैमेज आ रहा है ना वो बहुत ही कम है। हेड पे तो फिर भी चलो ठीक है, पर बॉडी का डैमेज बहुत ज़्यादा कम लगा है मुझे इसका। बट बाकी ये सब चीज़ें तो गेम में आगे जाके अपडेट हो जाती है, गरीना चेंजेस करते रहता है अपनी गन्स में वैसे भी, तो ये सब चीज़ें तो आगे जाके चेंज हो जाएगी। आप लोगों को इन तीन में से कौन सी गन सबसे अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर्सनली मुझे तो जो M21 है वो ज़्यादा पसंद आई है। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारी XM8 की स्किन जो हमें इंक्यूबेटर में देखने को मिल सकती है। तो गाइस देख सकते हो आपके सामने ये है हमारी XM8 की स्किन। गाइस प्लीज़ जो वाइट वाला पोर्शन है ना उसमें मत जाना, एक्चुअली क्या ग्राफिक्स रेडी नहीं हुए और ये लीक्स होते हैं, ये मतलब चुराया हुआ डाटा होता है एक तरीके से, मैं सीधी बात बोलूँगा। तो कभी कभी एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिल पाती है, मतलब अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है स्किन, बट नीचे आप लोगों को जो फोटोज़ दिख रहा है ऐसी कुछ स्किन्स होने वाली है। और हाथ में आप थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह देख सकते हो, एनिमेशन वगैरह आपको कलर वगैरह दिखे रहे होंगे। तो यार एग्जैक्ट डाटा तो अभी तक रेडी नहीं हुआ है इसका, मतलब पूरी स्किन रेडी नहीं हुई है, बट नीचे आपको फोटोज़ फिर भी एज अ रेफरेंस दिख रहे होंगे। पर्सनली बोल तो दिखने में बहुत अच्छी होने वाली है। एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो एट्रीब्यूट्स का अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, बट डेफिनेटली एक डबल रेट ऑफ फायर की XM8 ज़रूर देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों के पास करंटली अभी डबल रेट ऑफ फायर वाली XM8 नहीं है वो डेफिनेटली इसमें से कोई इसे निकाल सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑलरेडी डबल रेट ऑफ फायर वाली XM8 है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें स्पिन करना चाहिए। तो पर्सनली दिखने में तो बहुत अच्छी लगी ये XM8 का इंक्यूबेटर, बाकी जैसे भी और डिटेल्स आएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर जो होने वाला है हमारा गोल्ड रॉयल वाला बंडल। तो पर्सनली गाइस मुझे जो गोल्ड रॉयल आने वाला बहुत पसंद आया है और होपफुली कि शायद आपको भी पसंद आया। तो गाइस ये होने वाला हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल, वैसे कंफर्म नहीं है बट 80% चांसेस है कि हाँ यही गोल्ड रॉयल में बंडल आएगा। और देख सकते हो आप लोग ये है क्रिकेट की कॉस्ट्यूम। यस गाइस क्रिकेट की कॉस्ट्यूम आने वाली है, फर्स्ट टाइम शायद गेम के अंदर क्रिकेट की कॉस्ट्यूम आ रही है। अभी तक तो फुटबॉल देख रहे थे बट इस बार क्रिकेट की कॉस्ट्यूम दी है। पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और यार सच्ची बोलूँ तो मुझे सबसे पहले देख के ये लगा कि क्या धोनी के रिटायरमेंट के ओकेशन पे ये कॉस्ट्यूम निकाली है। आप लोगों को धोनी फेवरेट था कि नहीं था या पसंद था कि नहीं था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
मेरा फेवरेट प्लेयर तो धोनी था और आई डोंट थिंक सो कि अब क्रिकेट में वापस देख पाऊंगा इतने मजे से जितना मैं पहले इंजॉय करता था। अब खैर अब हम टॉपिक पर आते हैं, भटकते नहीं है। देख सकते हैं आप लोग क्रिकेट की कॉस्ट्यूम होने वाली है, अभी पूरी वीडियोज इसके सामने नहीं आई है बट सिर्फ फोटो ही आया है। बट फोटो में भी देख के बोला जाए तो अच्छी लग रही है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। वैसे क्रिकेट थीम पे कुछ नया आया है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि गरीना कुछ नया ट्राई कर रहा है। और गोल्ड रॉयल तो डेफिनेटली बात है, पूछने की तो बात है ही नहीं, सब निकालोगे कि नहीं, ऑब्वियसली गोल्ड रॉयल तो सब निकालते हैं। तो ये होने वाला गाइस हमारा गोल्ड रॉयल जो कि OB24 अपडेट के बाद हमें देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार यही कुछ अपडेट है जो कि हमें जल्दी गेम के अंदर देखने को मिलने वाले, 10 या 12 दिन ही बचे हैं OB24 अपडेट में। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर करने कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। सो गाइस बाय बाय। Drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.